गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और सभी बच्चे स्कूल की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। और जैसे ही कि उनका नया सेशन स्टार्ट हो गया है, अब उनकी पढ़ाइयां और जोरों शोरों से शुरू हो जाएंगी और बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं, पूरी मेहनत और पूरी लगन से विद्या ग्रहण करते हैं। लेकिन मेहनत के साथ अगर थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाए तो बस आपकी नैया पार हो जाती है। तो उन सभी बच्चों के लिए एक ऐसा मंत्र लेकर आई जो वो अपनी पूजा करते समय उस मंत्र का पाठ करें तो वो अपने लक्ष्य को और अच्छे से और आसानी से पा सकेंगे। कहते हैं भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि और ज्ञान प्रदान करने वाले देवता हैं। माना जाता है कि ओम गण गणपते नमः के सरल गणेश मंत्र का जाप करने से छात्रों और बच्चों को भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और उनकी शिक्षा यात्रा में किसी भी तरह की बाधा या व्यवधान को दूर करने में मदद मिलती है। भगवान गणेश का ये मंत्र स्पष्टता और संसाधनशीलता की भावना पैदा करता है, जिससे छात्रों को दृढ़ संकल्प के साथ शैक्षणिक चुनौतियों से उबरने में मदद मिलती है। गणेश भगवान का ये मंत्र आपकी सभी चुनौतियों को पूर्ण कर देगा। अगर आप नियमित रोज इस मंत्र का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर कर देंगे। तो आइए साथ मिलकर भगवान गणेश का ये मंत्र का पाठ करें। ओम गण गणपते नमः। 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 बुधवार को गणेश जी की पूजा करना उच्च महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन गणेश जी की पूजा से सभी विघ्न दूर होते हैं और भक्तों को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करना आवश्यक है ताकि वे कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। बुधवार के दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करके इच्छाएं शीघ्र पूरी हो सकती हैं। गणेश जी को सुरक्षा, समृद्धि, बुद्धि, शक्ति और शुभकारी स्वरूप में पूजा जाता है और उन्हें
शुभ आरंभ के द्वारा पहले पूजा जाता है। गणपति विघ्नेश्वर विनायक लंबोदर एकदंत गजानन वक्रतुंड आदि कई नामों से भी जाना जाता है।